ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सुरूर मिलता है। तेरे दर पे आने वाले को है मेरे शाम, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और कैसे कुछ हो जाए, इतना बता दो कहां तुम नहीं हो, ये सबको पता है कि तुम हर कहीं हो। अगर तुम न होते तो दुनिया न होती, अंधेरा मिटाती है तेरी ही ज्योति मेरे और भी ज्यादा अच्छा है सब कुछ। मुस्कुराइए सभी, आनंद लीजिए। इस बात का मैं दावा कर सकता हूं कि जो भी हरमन भाई के साथ हुआ उनके इमोशंस थे, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि ऐसे कीर्तन हो और वो आनंद लें, आनंद में ज्यादा डूबे हो, इस बात की यही सच्चाई है। तो इमोशंस थे, उनके इमोशंस थोड़े से ज्यादा हुए, और कोई बात नहीं है, नॉर्मल बात है, किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है, ऐसे कोई चिंता की बात नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, भैया ने भजन शुरू किया था इतने सेठ जहाँ में, जब ऐसा हुआ आप यकीन नहीं मानेंगे, 5 साल से तो वो भजन गाने के लिए मुझे हर साल बुलाते हैं, बोले विशाल भाई वो भजन सुनना है, वो भजन सुनना है। अब जिस भाई ने भजन गाया है, जब वो खुद आके गा रहा था तो उनको थोड़ा इमोशन बढ़ गया। उनकी 5 साल से इच्छा थी कि प्रमोद भाई आकर के वो भजन सुनाए हमारे पास, इसी वजह से। अगर तुम न होते तो दुनिया न होती, अंधेरा मिटाती है तेरी ही ज्योति। और भक्त और भगवान का रिश्ता इतना पक्का है कि यहां तो कभी कुछ नहीं हो सकता किसी को। सच्चे दरबार की, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने भी जाना सच्चे दरबार की। छाए काली घटाएं तो क्या, तेरी छतरी के नीचे हूं आगे आगे तू चलता मेरे, मेरे मालिक के पीछे हूं मैं, इसने पकड़ा तेरा हाथ है। फिर बोलो डरने की, और इनके होते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी औकात है। सांवरा जब तेरे साथ है तो डरने की एक आस तुम्हारी है, विश्वास अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा।
ये सब कुछ बढ़िया है। एक आस तुम्हारी है, पहले सिंगल फिर बढ़वा। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है मेरे बाबा। एक आस तुम्हारी है, सबकी विश्वास तुम्हारा है। अब तेरे सिवा बाबा कहो कौन हमारा है। दास तुम्हारी है, ताली जय हो। सिवा बाबा कहो कौन
आखिरी शब्द तो कह रहा हूं, बिल्कुल सीधे हाथ उठाइए और सब अपनी तरफ से कहिए और बोलिए आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम, आओ शाम।